सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में जो है दो ऐसी बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल टक्कर देती है एक दूसरे को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। मैं आपको बता दूं, एक बाइक ऐसी है जो दिखने में काफ़ी शानदार है, दूसरी बाइक ऐसी है दिखने में तो शानदार है ही वो, लेकिन वो अपने इंजन के साथ में काफ़ी पावरफुल है। सो आज की वीडियो में जो है कंपेरिजन करने वाले हैं हम कावासाकी ZX250R का होंडा की CBR250RR से। दिन रात का फर्क है आपको पता है, सो फिर भी एक बार कंपैरिजन बनता है बिकॉज आप लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड की थी CBR250RR वाली वीडियो में। सो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं लुक्स से। लुक्स की बात करूं, मेरे को जो पर्सनली अच्छी लगती है लुक में वो लगती है मेरे को CBR250RR, लेकिन ZX25R भी कुछ कम नहीं है। सो वो जो है हर एक बंदे की अलग अलग पसंद होती है, सो वो जो है आप पे डिपेंड है आपको कौन सी अच्छी लगती है। सो यहाँ पे गाइस बात करते हैं इंजन वाइज बात करूं, ZX25R में आपको 249cc का 4 सिलेंडर 16 वेल्व्स F5 लिक्विड कूल इंजन मिलता है, लेकिन CBR250RR में आपको इसका हाफ मिलता है, मतलब 249cc का 2 सिलेंडर 8 वेल्व्स F5 लिक्विड कूल इंजन मिलता है। सो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ZX25 में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है लेकिन CBR में आपको 2 सिलेंडर। सो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया जो इसकी प्राइसिंग को मतलब काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। सो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा इसके इंजन में। पावर की बात करूँ उसमें भी आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, ZX25 में आपको 55 से 60 bhp की पावर एंड CBR में आपको 38.2 bhp की पावर मिल जाती है। ये भी काफ़ी कम है, CBR250RR की काफ़ी कम पावर है कंपेयरिंग टू ZX25R। सो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा फर्क आपको नज़र आएगा। सो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स इंजन में। एंड यहाँ पे टॉर्क की बात करूँ तो ZX25 में जो है आपको 40 से 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलता है, CBR में आपको 23 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। सो ये भी जो है काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो कहने का मतलब है हाफ इंजन है, मतलब परफॉर्मेंस जो है आपको 30% कम देगा ZX25R से CBR250R का। सो यहाँ पे जो है आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस लेनी है तो आप ZX25R की तरफ जा सकते हो यदि कोई इंडोनेशियन मार्केट में है तो। सो यहाँ पे जो है ZX25R काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है CBR250RR से। यहाँ पे बात करते हैं अभी गियर्स के बारे में, दोनों बाइक्स में आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है। ZX25R से आपको 15 से 20 की माइलेज मिलेगी लेकिन आपको CBR से 30 से 35 की माइलेज मिल जाएगी, मतलब इस बाइक से आप डेली कम्यूट कर सकते हो लेकिन ZX25R से नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आप ये लगा लीजिए 4 सिलेंडर इंजन है तो यार क्या माइलेज देगा। लेकिन यहाँ पे टॉप स्पीड की बात करूँ तो ZX25R की जो टॉप स्पीड है वो जाती है लगभग 220 प्लस, लेकिन CBR की जाती है 170 या फिर 180 तक हाईएस्ट लगा सकते हो आप। सो यहाँ पे जो है टॉप स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है ZX25R की। बात करूँ ब्रेकिंग सिस्टम, दोनों ही बाइक्स में आपको ड्यूअल चैनल ईबीएस मिल जाता है, दोनों ही बाइक्स में आपको फुली एलईडी हेडलाइट मिल जाती है, लेकिन CBR में आपको DRLs भी मिल जाती है एलईडी। देखने में काफ़ी शानदार लगती है CBR250RR की लाइट्स जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार लगती है। एंड मैं आपको बता दूँ इसका जो मेन है CBR250RR में वो इसकी हेडलाइट ही है, फ्रंट का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो उस वजह से जो है ZX25R से बेटर लगती है मेरे को लुक वाइज CBR250RR। बात करूँ यहाँ पे इसके मीटर कंसोल के बारे में, सो यहाँ पे आपको ZX25 में डिजिटल प्लस एनालॉग मिलता है लेकिन आपको CBR में फुली डिजिटल मिल जाता है जिसमें आपको राइडिंग मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन ZX25R में यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है लेकिन राइडिंग मोड्स वगैरह आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। यहाँ पे गाइस आपको ZX25R में 15 लीटर का टैंक मिलता है, CBR में आपको 14.2 लीटर का टैंक मिलता है जो कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको ZX25R में आपको स्प्लिट सीट मिलती है एंड CBR में भी आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। कंफर्ट तो आपको मिलेगा ही दोनों बाइक्स में अच्छा खासा बिकॉज पैसा जो इतने लगा रहे हैं हम, सो यहाँ पे जो है कंफर्ट में कोई भी कमी नहीं होने वाली दोनों बाइक्स में। ZX25 का यहाँ पे 180 kg के समथिंग वेट है लेकिन CBR का यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट है, मतलब 165 kg वेट है। सो यहाँ पे 15-20 kg जो है कम वेट है ZX25R से CBR का। सो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी दोनों बाइक से, लेकिन यदि सेम इंजन होता दोनों बाइक्स में और यही वेट होता तो CBR काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती आपको, बट यहाँ पे इंजन का ही बड़ा डिफरेंस हो गया तो परफॉर्मेंस तो आपको कावासाकी ZX से ही अच्छी मिलेगी। यहाँ पे बता दूँ आपको दोनों ही बाइक्स में आपको वाइब्रेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगी ज़्यादा बिकॉज एक यहाँ पे ट्विन सिलेंडर बाइक है एक यहाँ पे 4 सिलेंडर बाइक है तो वाइब्रेशन के ज़्यादा चांसेस नहीं होते यहाँ पे। दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग ZX25R की जाती है 5 लैक्स एक्स शोरूम लेकिन CBR की जाती है 3.5 लैक्स एक्स शोरूम। दोनों ही बाइक्स इंडोनेशियन मार्केट में अवेलेबल है, यदि कोई इंडोनेशिया देख रहा तो भाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू फॉर मनी मैं आपको बोलूँगा, यदि आपको पावर ही चाहिए तो आप ZX लो,
यदि आपको लुक्स भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चाहिए, तो आप CBR ले लो। सो यहाँ पे जो है इंडिया में अभी तक नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है इंडिया में भी जल्द ही दोनों बाइक्स आ जाएंगी, एंड फिर इसका एक और कंपैरिजन बनेगा तगड़े वाला। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी ही उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी यदि बाइक्स लॉन्च होती हैं तो। सो गाइस आज की वीडियो में यही कुछ था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।